रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में सोपा ने आंकड़े जारी किए हैं कि जो आयात है पहले, सोपा ने भी आंकड़े जारी किए थे पहले कि जो प्रोडक्शन है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा रह सकता है इस साल। फिर सोपा ने अपने उत्पादन अनुमान में कटौती भी की। उसके बाद से हमने देखा है कि सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है और विदेशों में भी तेजी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन सोयाबीन की कीमतों में थोड़ी करेक्शन आई थी, तो क्या यहाँ से जो कीमतें हैं संभल सकती हैं या फिर यहाँ से अभी थोड़ी टूटेंगी? देखिए, कीमतें सोयाबीन की हो सकता है कि यहाँ पर रेंज बाउंड होती दिखाई दे जाए। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा गिरावट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी दायरे में घूमती नजर आ सकती है। 50-100 से 150 रुपए नीचे जा सकता है मार्केट और 100 से 150 रुपए ही ऊपर की कैप बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, सोपा ने आयात के सोपा ने सोयाबीन के आयात के आंकड़े भी जारी किए हैं कुछ, और बोला गया है कि पहले के मुकाबले इस बार सोयाबीन का जो आयात है 3.5 लाख टन किया है, जो पहले 4 लाख टन था। ऐसे में आपको क्या लगता है, आयात जो कम हुआ है सोयाबीन का, तो क्या ये जो न्यूज़ है इसकी वजह से मार्केट आगे तेजी की ओर जाएगी या फिर नीचे की ओर? देखिए, अभी जो पूरा फंडामेंटल है उस फंडामेंटल को देखें तो मार्केट फिलहाल तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। जी,